ब्लू हॉर्स सिनेमा प्रस्तुत करता है धारावाहिक मोरवी नंदन श्याम। हुए अपने असली स्वरूप श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। धन्य हो महाबली, धन्य हो तुम। भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम, हमें शिष्य रूप में स्वीकार करें। तुम्हारी योग्यता और पराक्रम को देखते हुए हम तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। सृष्टि का कोई भी योद्धा तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता बर्बरी। बर्बरीक एक ऐसा महावीर जो महाभारत का महायुद्ध पलक झपकते ही समाप्त कर सकता था। महाभारत के महासमर के नायक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना शिष्य बना लिया था, किंतु वे भी उसके पराक्रम से विचलित हो गए थे। कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में रात्रि के इस पहर क्या सोच रहे हैं केशव? हे पार्थ, ये महायुद्ध धर्म अधर्म और नीति अनीति का है। इसके आयोजन का लक्ष्य है धर्म और न्याय की विजय, किंतु कैसे? घटोत्कच पुत्र बर्बरीक के होते कैसे संभव है ये? अपनी माता को दिए वचन के अनुसार पराजित होने वाले के पक्ष में लड़ेगा वो। यदि उसने कौरवों का साथ दिया तो पांडवों की पराजय और अधर्म की जय होगी। इस महाबली को रोकना होगा, अन्यथा व्यर्थ होगा यह महायुद्ध। उसे रोकना होगा पार्थ, रोकना होगा। के रूप में प्रतिष्ठित एक शक्तिपुंज, जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने अपनी समस्त शक्तियां प्रदान कर श्री श्याम का नाम दिया। वासुदेव श्री कृष्ण के साक्षात रूप श्री खाटू श्याम को शत शत नमन। श्याम भाई।